Agora eu vou ao Gopra. Opa, opa. अरे यार तने से लेकर टॉप तक में शमशान घाट इधर से तरफ है और एक उपली साइड है, दोनों तरफ शमशान घाट है, दोनों तरफ लाशें जलाई जाती है, बस लगी हुई है। इसमें मैं जाऊंगा लूरी तक और ये आप गांव का व्यू देख। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं पहुंच गया हूं खेत में फिर से। और पिछले कल जैसे कि आपने देखा कि मैंने खाद वगैरह डाला और आज मैं डालने वाला हूं स्प्रे। तो स्प्रे करने के लिए पंप वगैरह और स्प्रे का पूरा जो सामान है वो ले आया मैं खेत में। तो बताता हूँ क्या क्या मैं इसमें दवाइयाँ डालूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे खेत पेड़ और इसके नीचे खाद पूरी डल चुकी है और अब करने वाले हैं स्प्रे। स्प्रे के लिए पंप और साथ में लेके आया हूँ दवाइयाँ, उनको मिक्स करेंगे पहले पानी में, उसके बाद उसका छिड़काव करेंगे। स्प्रे पंप जो पहुँच चुका है बारिश से बचने के लिए और स्प्रे के सही यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस अब दवाइयाँ डालते हैं, सबसे पहले इनको फाड़ देते हैं ऊपर से। और इसमें गाइस ये जाता है एक पैकेट 100 लीटर में और दो पैकेट जाएंगे 200 लीटर में। तो गाइस इसके दो पैकेट डालेंगे, 100 ग्राम के पैकेट हैं। और ये है गाइस दूसरा पैकेट, ये पड़ता है 200 लीटर में एक पैकेट। और उसके बाद बोरोकेयर ये पड़ता है 500 ml 400 लीटर में, तो 250 ml ये एक टंकी में पड़ता है मतलब 200 लीटर में। और उसके बाद गाइस ये पड़ता है एक टंकी में एक पैकेट ब्लाइटॉक्स, और जो कि ये 200 लीटर की टंकी। और ये स्प्रे का पंप और इसमें डालूंगा मैं सबसे पहले ब्लाइटॉक्स, इसमें ये सॉल्यूशन, इसके बाद डालूंगा ये दवाई और ये वाला डालते हैं आपके। इसके बाद डालूंगा मैं ये सॉल्यूशन इसमें ब्लाइटॉक्स। अब अच्छे से इसको घोल देंगे और उसके बाद उसको टंकी में डाल देंगे। फिलहाल गाइस सॉल्यूशन बनके तैयार है और इसका मैं छिड़काव कर रहा हूँ सेब के पेड़ पे। और जैसे आप देख पा रहे हैं तने से लेकर टॉप तक मैं इसका छिड़काव करूँगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जैसे हम सेब तोड़ते हैं उसके बाद जो बीमा है वो काफ़ी वीक हो जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और नेक्स्ट टाइम अच्छी पैदावार के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। और काफ़ी मेहनत लगती है, पूरे बगीचे में इसके स्प्रे करूँगा। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है फसल पैदा करने के लिए। तो गाइस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है और साथ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो कहें एकदम सुहाना बना हुआ है, धुंध से पहाड़ियाँ ढक चुकी है, टोटली जो पहाड़ियाँ हैं धुंध से ढकी हुई है। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है, अपने खेत में ही खड़ा हूँ। और आज का मेरा प्रोग्राम है वापस जाने का, देखते हैं दिन को बारिश होती है तो आज नहीं जाऊँगा, अगर नहीं होती है तो मैं दिन को यहाँ से निकल जाऊँगा लूरी और वहाँ से कल जाऊँगा सोलन की तरफ और पूरा व्यू कैप्चर करूंगा। यह गाइस सुबह का जो व्यू बना हुआ है, हो सकता है आज बारिश हो क्योंकि चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं धुंध से ढकी हुई है। और यहाँ पे ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू बना हुआ है, जंगल साथ में लगा हुआ है खेत के ठीक साथ में। ये आप देख सकते हैं ये खेत जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही जंगल शुरू हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप रोड भी काफ़ी धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद रहेंगे तो उनको थोड़ा बहुत काम बताऊँगा। तो चलो करते हैं काम शुरू आराम से। ध्रुव आराम से बेटा। हाँ ऊपर जाना, चलो आप करो ऊपर।
कहाँ ऊपर? ऊपर। ऊपर कहाँ? ऐसे ऐसे। अच्छा चले फिर। हाँ, कहाँ जाना? ऊपर जाना घर के पास। सच में? सच। आप देख सकते हैं पीछे घर के साथ व्यू, बहुत ही आकर्षक व्यू है, देख सकते हैं आप। और फिलहाल मैं और ध्रुव जा रहे हैं कहाँ? पारी दे फिर। कहाँ? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। नहीं आता नहीं, नहीं आता है? चल ऊपर कर दो। ऊपर क्यों? इतना बड़ा हो गया, ऊपर चलता नहीं खुद है क्यों? बाहू को ऊपर करो। ऊपर करो पहले, वैसे बताना यहाँ वो खड़ा। खुद नहीं चलते आप, इतने बड़े हो गए क्यों? क्यों नहीं चलते? अच्छे। क्यों ऐसी? डून टांगे खड़ी करता। हाँ। हैं? जब डून कराते तब टांगे खड़ी होती। ये करता, ऊपर करता, नीचे करता, ऊपर करता। अच्छा ऊपर करता नीचे करता। अच्छा अच्छा ऊपर करूं? अच्छा ठीक। क्या निकालना ध्रुव का? फुट है आंख मार। ऐश करते आप सच में? अच्छा ऐसे किसको करते आप ऐसे? छोटे पाप को। अच्छा काफी हो गया सच में है? ऊपर क्या करेंगे आप जाके? काम करना। काम करेंगे आप? करते आप काम सच में? चाय देता। चाय देता है? अच्छा बना के है तब भी ठीक। चले ऐसे कर पहले, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बोल लाइक करो। लाइक करो, लाइक करो। हाँ धूप निकल गई है फिलहाल और काम करने वाले भी पहुंच गए। हाथ से पट लेना है आसान होते तो नहीं। थोड़ा बहुत निकाल देना जितना निकलता है। हाँ ऐसे कह निकल चुका हूँ बस स्टैंड की ओर और ये रास्ता सीधा कनेक्ट करता है बस स्टैंड की तरफ दुराहा में जो बस स्टैंड है और काफ़ी ख़तरनाक ये रास्ता है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ से कोई बंदा फिसल जाता है चाहे दिन को या रात को तो सीधा नीचे जाके ही पहुँचता है। आगे से मैं व्यू बताता हूँ इसका। ये देख सकते हैं आप कितना पतला रास्ता है। अभी तक सरकार की ओर से इसके लिए कोई भी धनराशि या फिर कोई भी वर्क अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ, जबकि ये मेन रास्ता कनेक्ट करता है बस स्टैंड को, दो तीन गाँव को कनेक्ट करता है बस स्टैंड से। यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा नीचे गिरेंगे तो वहाँ जाके पहुँचते हैं, वो रास्ता दिख रहा है। घर से आधे रास्ते तक मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा व्यू कि जंगल से होते हुए ये रास्ता आता है, रात को काफ़ी डरावना सा लगता है ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जंगल के बीच से होकर जाता है और यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं हम तो यहाँ से अंदर की ओर मुड़ जाता है गाइस। और बताता हूँ जिसके रास्ते के दोनों तरफ जो है शमशान घाट है और काफ़ी डरावना सफ़र रहता है इस रास्ते का। रात को जब भी जाते हैं यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट साइड से कोई भी स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है तो आप व्यू लीजिएगा, दिखाता हूँ आपको आगे।
जो रास्ता है ये जाता है आगे दुर्गा की तरफ, और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये अंदर की ओर मुड़ते जाते हैं, और ये एक शमशान घाट इधर तरफ है और एक उपली साइड है, दोनों तरफ शमशान घाट है, दोनों तरफ लाशें जलाई जाती है, और बीच से होकर ही ये रास्ता जाता है जो आगे तो दुर्गा की तरफ मुड़ता है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड की बात करें तो दो तीन गाँव को ये रास्ता जोड़ता है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट की सुविधा अभी तक नहीं हुई है इतने सालों में। देखते हैं आगे सरकार इसके लिए क्या करती है, या फिर पंचायत ग्राम पंचायत इसके लिए क्या कुछ योजना लेके आती है। ये रास्ता अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ है, आम रास्ता है, दो तीन गांव को जोड़ता है। देख सकते हैं आप अंदर की ओर मुड़ता है और यहाँ से बाहर, ये अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। शमशान घाट पहले नीचे था, अब ऊपर तरफ है, बस इस पेड़ के पीछे पिछली साइड, और ये देख सकते हैं आप घना जंगल है। यहाँ पे काफ़ी सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। कमेंट कीजिएगा कि ऐसे रास्ते पक्के होने चाहिए और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और ये देखो गाइस जंगलों में पार्टी होते हुए बोतलें रखी हुई है। तो फिलहाल मैं बस स्टैंड के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। ये गांव जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये दुरहा गांव है, और ये बस स्टैंड है, वो बस लगी हुई है, इसमें मैं जाऊंगा लोरी तक, और ये आप गांव का व्यू देख सकते हैं। तो गाइस इस गांव में एक मेला होता है पजाई का, और यहां पे जो है देवी भुवनेश्वरी माता का मंदिर भी है। गाइस जैसे ही बस में एंटर हुआ डाकिया द्वारा मुझे एक लिफाफा पकड़ाया गया, इसमें राखियाँ भेजी होगी सिस्टर ने शिमला से, और जबकि मैं वापस जा रहा था उन्होंने पहले ऑलरेडी भेज के रखी थी, तो वो मैंने रिसीव की। और यहाँ का व्यू आप देखते हैं, सामने का अद्भुत व्यू है। और गाइस फिलहाल बस निकल चुकी है, अब मैं तकरीबन स्कूल के पास पहुँचने वाला हूँ। यहाँ का व्यू सामने का अद्भुत बना रहता है, सामने नदी दिखती है सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो यहाँ से दिखती है स्कूल के पास से, स्कूल जो यहाँ पर बना हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेथर, और यहाँ से आसपास का व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक आकर्षक है। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।